अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। सिंपल ही करना है, एक वाला बाइनरी नंबर है, दूसरा बाइनरी नंबर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाला नंबर लिख लेते हैं 1 1 0 1 1 बेस 2, फिर दूसरा नंबर 1 1 0 1 1 1 0 1 बेस 2, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। एक लाइन लगा दी, यहाँ से आपने एक लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़ कर उसका नीचे लिखना है आपने। पहले 1 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 के साथ, इस 1 के साथ सबको मल्टीप्लाई करने से यही आ जाएगा 1 1 0 1 1। ये खुला खुला करके लिखना है, यहाँ पर आपने एक क्रॉस लगा देना है। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0, फिर 2 क्रॉस आ जाने हैं। फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 1 1, फिर 1 से फिर 3 क्रॉस आ जाएंगे। फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 1 1, ये आपने खुला खुला करके लिखना है। और तंग करके लिखें फिर आगे गठबंड हो जाएगा। अब प्लस करेंगे, 1 के नीचे कुछ भी नहीं होती है, 1 आ गया वैसे, 1 प्लस 0 1 हो गया, यह भी 1 हो गया। अब इनको प्लस करें 1 2 3, ठीक है, तीनों को प्लस करें 3 बन जाएगा। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें 3 तो होता ही नहीं है, 3 का हम क्या लिखते हैं, यह देखिए 3 है ना, इनको प्लस किया 1 2 3, 3 का हम कैसे लिखेंगे, 3 को 2 के साथ इसको कन्वर्ट कर लें। बाइनरी नंबर सिस्टम है, 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, तो बाकी के बचे मतलब कितने बचे 1, जो 3 होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 इज इक्वल टू क्या होता है 1 1 बेस 2, ये क्या होता है 1 1 बेस 2। ये जो 1 है ये हम नीचे लिख लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 3, 3 1 1 के इक्वल है। ये 1 हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना, जो बाकी जो 1 है उसका हमने क्या करना है, कैरी कर लेना है। इस 1 को एक नीचे लिख दिया, यह जवान ने इसका हमने कैरी कर लेना है नेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पर 1 हमने कैरी कर लिया, ठीक है। अब फिर 1 2 3, फिर 3 बन गया, 1 2 3 ये वाला, फिर 3 बन गया, 3 1 1 के बोला, तो 1 नीचे लिख देंगे, 1 को आप कैरी कर लेंगे। फिर 1 प्लस 1 2, जो 2 है किसके इक्वल होता है, 2 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, बाकी 0 बचे, 2 इज इक्वल टू होता है 1 0 बेस 2, 0 हम नीचे लिखेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, ठीक है। 1 प्लस 1 2, 2 किसके इक्वल होता है 1 0 के, 0 नीचे लिखें 1 को कैरी कर लेंगे, तो 1 प्लस 1 2, 0 हमने नीचे लिखा, 1 हमने कैरी कर लिया। फिर 1 2 3, 3 किसके इक्वल है 1 1 के इक्वल है, 1 नीचे लिखेंगे 1 कैरी कर लेंगे, 1 नीचे लिखा 1 हमने कैरी कर लिया। अब फिर 1 प्लस 1 2, 2 किसके इक्वल है 1 0 के इक्वल है, 2 को लिखेंगे 1 0, ये आपका आंसर आएगा 1 0 1 0 जी, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 1 1 0 1 1, इसको बेस 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1 बेस 2 के साथ। तो इस पर भी 2 बाहरी नंबर दिए हुए, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले पहला नंबर 1 0 खुला खुला करके लिखना है, जब भी आपने बाहरी नंबर्स को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, उनको आपने खुला खुला करके लिखना है। दूसरा नंबर 1 0 0 1 1 0 0 1 बेस 2, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। एक लाइन लगाई, आपने एक लाइन छोड़ देनी है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबको, ठीक है, 1 1 0 1, फिर क्रॉस आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करना है 0 0 0 0, फिर 2 क्रॉस आ गया, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0, फिर 3 क्रॉस आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 1, अब प्लस कर देना सबको, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 0, 1 प्लस 1 2,
वन प्लस वन कितना आ गया टू, टू का इसका इक्वल होता है वन जीरो के, वन प्लस वन टू, टू टू इक्वल होता है वन जीरो के, तो जीरो नीचे लिखेंगे वन हम कैरी कर लेंगे, फिर वन प्लस वन टू, टू वन जीरो के इक्वल होता है, जीरो नीचे लिखा वन हमने कैरी कर लिया, ये वन हो गया, ये वाला वन हो गया, ये आपका आंसर आ गया वन वन ट्रिपल जीरो डबल वन, वन वन ट्रिपल जीरो डबल वन, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें भी आपको दो बार नंबर दिए हुए हैं, 15 में चार दफ़ा वन है, वन 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 बेस टू, इसका मल्टीप्लाई करना है वन ज़ीरो ज़ीरो वन के साथ, वन ज़ीरो ज़ीरो वन बेस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर लिख लेते हैं वन 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 बेस टू, दूसरा नंबर वन ज़ीरो ज़ीरो वन बेस टू, और इनको मल्टीप्लाई करना है, तो लाइन लगा दी, यहाँ से एक लाइन छोड़ देनी है, वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो चार दफ़ा वन आ जाएगा, वन 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 वन, फिर क्रॉस लगा दिया, फिर ज़ीरो से ज़ीरो 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 ज़ीरो, फिर दो क्रॉस, फिर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है ज़ीरो 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 ज़ीरो, फिर तीन क्रॉस आ गए, फिर वन से वन वन वन, ये सर ये तीन क्रॉस है, तो वन 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 और वन, अब इनको आपने प्लस कर देना है, तो ये वन आ गया, ये भी वन आ गया, ये भी वन, ये वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, टू किसके कुल होता है वन ज़ीरो के, ज़ीरो नीचे लिखेंगे वन अब कैरी कर लेंगे, ये वन प्लस वन टू, टू वन ज़ीरो के कुल होता है, ज़ीरो नीचे लिखा वन कैरी कर लिया, ये वन प्लस वन टू, तो वन ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो नीचे लिखा वन हमने कैरी कर लिया, वन प्लस वन टू, टू को क्या लिखना वन ज़ीरो बेस टू। तो क्वेश्चन नंबर 15 वन ज़ीरो 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 से ट्रिपल वन, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें एवेल्यूएट करना है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो इसमें वन ज़ीरो वन ज़ीरो ट्रिपल वन, वन ज़ीरो ट्रिपल वन बेस टू, और इसको मल्टीप्लाई करना है वन 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 ज़ीरो वन वन बेस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर लिखते हैं वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन 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 बेस टू, दूसरा नंबर वन वन ज़ीरो वन वन बेस टू, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो एक लाइन छोड़ देनी है आपने, यहाँ से वन के साथ मल्टीप्लाई करिए, यह सारे आ जाएंगे वन 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 ज़ीरो वन ज़ीरो वन, एक क्रॉस भी आ गया, फिर वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन 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 ज़ीरो वन ज़ीरो वन, फिर दो क्रॉस आ गए, ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करना है ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये तीन क्रॉस आ गए, फिर वन के साथ मल्टीप्लाई करना है वन 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 ज़ीरो वन ज़ीरो वन, फिर चार क्रॉस आ गए, फिर वन के साथ मल्टीप्लाई करना है वन 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 ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ये मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमने क्या करना है इनको ऐड करना है, प्लस कर देंगे, ये वन आ गया, ये वन आ गया, ये वन प्लस वन टू हो गया, टू किसके कुल होता है वन ज़ीरो के, ज़ीरो नीचे लिखेंगे वन कैरी कर लेंगे, ये क्या वन टू थ्री, तो थ्री किसके कुल होता है वन वन के, थ्री वन वन के कुल होता है वन नीचे लिखेंगे वन हम कैरी कर लेंगे, ठीक है वन टू थ्री, फिर थ्री बन गया, थ्री वन वन के कुल होता है वन नीचे लिखेंगे वन हम कैरी कर लेंगे,
फिर क्या होगा, 1 2 3 4, अब जो 4 बन गया, 1 2 3 4, जो 4 किसके इक्वल होता है, ये देखें 4 है ना, 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 4 बाकी 0 बचा, फिर 2 1 2 बाकी 0, जो 4 है क्या होगा, 1 0 0, 4 है 1 0 0 बेस 2, ये 0 है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे, 1 2 3 4 है, 4 है 1 0 0 2, तो ये नीचे वाला ये जो आखिरी 0 है इसका हम नीचे लिख लेंगे, बाकी क्या बचेगा, 1 0, बाकी क्या बचेगा, 1 0, 1 0 किसके गले होता है, 2 के गल होता है, बाकी क्या बचा, 1 0, 1 0 किसके गल है, 2 के, ये 2 है ना, ये देखो 2, 2 1 2 0, 2 1 2 0, 2 है किसके गल है, 1 0 के, ठीक है, तो जो 1 0 है वो किसके गल है, 2 के, तो 4 का 1 0 0 है, 0 हमने नीचे लिखा, बाकी 1 0 बचा, बाकी का बचा 1 0 किसके गल है, 2 के, तो इसके बाद 2 का नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 2 का नहीं हो जाएगा, 2 3 4 5, अब क्या हो गया, 2 3 4, ये 5 बन गया, 5 को फिर डिवाइड करके देख रहे हैं, ये 5 है, 2 2 4, बाकी 1 बच गया, 2 1 2, बाकी क्या बचा, 0, ठीक है, जो 5 है किसके इक्वल हो गया, 1 0 1 1 0 1 के इक्वल आ गया 5, तो 1 हम नीचे लिखे, 1 0 क्या निकाल लेंगे, ठीक है, तो 1 हमने नीचे लिखना है, 2 3 4 5, 5 इसके इक्वल है, यानी जो 1 है हम नीचे लिखेंगे, तो बाकी क्या बचा, 1 0, 1 0 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 2 हम क्या निकाल लेंगे, 2 हमने क्या निकाल दिया, फिर देखें 2 3 2 3 और 4, 4 के किसके इक्वल है, 1 0 0 के इक्वल है, ये 0 हमने नीचे लिख दिया, 1 0 क्या निकालेंगे, 1 0 2 के इक्वल है, फिर 2 3 4, ये फिर 4 बन गया, ये 0 हम नीचे लिखेंगे, 0 नीचे लिखें, 1 0, 1 0 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, 2 हम क्या निकाल लेंगे, 2 और 3, 3 किसके इक्वल होता है, 1 1, 2 प्लस 1 कितना, 3, 3 क्या होता है, 1 1, 1 नीचे लिखा, 1 हमने क्या निकाल लिया, 1 प्लस 1 2, 2 किसके इक्वल है, 1 0 के, 1 प्लस 1 2, 2 क्या होता है, 1 0, 0 नीचे लिखेंगे, 1 हम कैरी कर लेंगे, फिर 1 प्लस 1 2, 2 क्या होता है, 1 0, तो क्वेश्चन नंबर 16, 1 0 0, ये 1 0 0, ये 1 0, 1 1 0 1, जी क्वेश्चन नंबर 16 का ही आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें 2 नंबर दिए हुए, 1 1 0 1 1 0 1 1 बेस 2, इसका मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1 के साथ, 1 0 0 1 बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लेते हैं 1 1 0 1 1 बेस 2, फिर 1 0 0 0 1 बेस 2, इनको मल्टीप्लाई करना है, एक लाइन छोड़ देनी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें ये सारे आ जाएंगे, 1 1 0 1 1 क्रॉस लगा दिया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0, फिर 2 क्रॉस आ गया, फिर 0 से मल्टीप्लाई करना है 0 0 0 0, फिर 3 क्रॉस आ गया, फिर 0 से मल्टीप्लाई करना है 0 0 0 0, फिर 4 क्रॉस, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 1 0 1 1, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4, ये काम लिख रहे हैं, 0 काम लिख रहे हैं, 0 इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया, 1 0 काम लिख रहे थे हम, तो क्या 1 1 0 1 और 1, ठीक है जी, अब इनको ऐड कर देना, ऐड कर, ये 1 हो गया, ये वाला 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये वाला 0 हो गया, ये वाला 1 आ गया, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 किसके इक्वल है, 1 0 के, 0 नीचे लिख लिया, 1 हमने कैरी कर लिया, ये 1 प्लस 1 2, 2 1 0 के इक्वल है,
जीरो नेचुरल का वन हमने कैरी कर लिया, ये वाला वन आ गया, ये वन, ये वाला वन, बेस टू। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रिपल वन डबल ज़ीरो, ट्रिपल वन डबल ज़ीरो, वन ज़ीरो डबल वन, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम एवेल्युएट द प्रोडक्ट, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 बेस टू, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 1 के साथ, 1 0 1 1 बेस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 0 1 1 बेस टू, फिर 1 0 1 1 बेस टू, इनको मल्टीप्लाई करना, एक ना छोड़ देनी है, 1 के साथ मल्टीप्लाई के साथ को इनको 1 1 0 1 1 0 1 1 एक क्रॉस लगा दिया, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 1 1 फिर 2 क्रॉस आ गया, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 0 फिर 3 क्रॉस आ गया, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 1 और 1 अब इनको प्लस कर देना, ये 1 हो गया, ये 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 टू के स्केल होता है 1 0 के, 0 नीचे लिखेंगे, 1 हम कैरी कर लेंगे, फिर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 1 0 के इक्वल है, 0 नीचे लिखा, 1 हमने कैरी कर लिया, 1 2 3 ये 3 बन गया, 1 2 3 3 किसके बोला, किसके बोला था 1 1 के, 1 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी कर लेंगे, 1 2 3 4 ये 4 बन गया, 4 किसके बोला, 4 ये देखें, 4 किसके बोला 1 0 0 के, जो 4 है 4 किसके बोला 1 0 0 के बोला, 0 नीचे लिखेंगे, 0 नीचे लिखे, बाकी 1 0 बचेगा, जो 1 0 किसके बोला 2 के, तो हम 0 नीचे लिखें, 2 कैरी कर लेंगे, तो 1 2 3 4 तो हमने क्या करना है, 1 2 3 4 0 नीचे लिखना, बाकी 1 0 बचा, 1 0 2 के इक्वल होता है, 2 हमने कैरी कर लिया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, सॉरी 1 2 प्लस 1 3 3 किसके इक्वल होता है 1 1 के, 3 इक्वल होता है 1 1 के, 1 नीचे लिखा, 1 हमने कैरी कर लिया, फिर 1 प्लस 1 2 2 किसके इक्वल है 1 0 के, 0 नीचे लिखा, 1 कैरी कर लिया, 1 प्लस 1 2 1 0 ये 1 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, तो 1 0 1 0 1 0 1 ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या करना है, 1 1 0 1 1 0 1 1 इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 1 है और 0 1 1 1 1 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 0 1 1 बेस टू, 4 2 1 है, 1 2 3 4 और 0 बेस टू, इनको मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सारे 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 आ गया, मल्टीप्लाई भाई, फिर यहाँ पर क्रॉस आ गया, फिर 1 के साथ करेंगे 1 1 0 1 1 फिर 1 के साथ 2 क्रॉस आ गया 1 1 0 1 1 फिर 3 क्रॉस आ गया, फिर 1 के साथ 1 1 0 1 1 फिर 4 क्रॉस आ गया, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 1 और 1 अब इन सबको प्लस कर देना है, ये 0 आ गया, ये वाला 0 आ गया, ये वाला क्या आ गया 1, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 2 किसके इक्वल होता है 1 0 के, 0 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी कर लेंगे, ये क्या 1 2 3 ये हो गया 1 2 3 3 क्या किसके इक्वल होता है 1 1 के, 3 1 1 के इक्वल होता है,
वन नीचे लिखेंगे, वन आप कैरी कर लेंगे, फिर वन टू थ्री फोर, फोर किसके इक्वल होता है, वन ज़ीरो ज़ीरो, फोर इक्वल है, फोर किसके इक्वल है, फोर इक्वल टू वन ज़ीरो ज़ीरो बेस टू, तो ज़ीरो नीचे लिखेंगे, वन ज़ीरो कैरी करेंगे, तो वन ज़ीरो किसके इक्वल है, टू के, टू होता है वन ज़ीरो, ठीक है, तो वन ज़ीरो कैरी करेंगे तो वो टू लिख देंगे ऊपर, टू, फिर टू थ्री फोर फाइव, फाइव बन गया, तो फाइव किसके इक्वल होता है, फाइव इक्वल होता है वन ज़ीरो वन के, ठीक है, फाइव को डिवाइड करके देखें, फाइव को डिवाइड करें टू के साथ तो वन ज़ीरो वन बन जाएगा, फिर टू थ्री फोर फाइव है, वन नीचे लिखेंगे हम, वन नीचे लिखा, वन ज़ीरो कैरी करेंगे तो वन ज़ीरो किसके इक्वल है, टू के इक्वल है, टू इसके ऊपर आ गया, फिर टू थ्री फोर, ये फोर बन गया, फोर किसके इक्वल है, वन ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो हमने नीचे लिखा, वन ज़ीरो कैरी करना, वन ज़ीरो किसके इक्वल है, टू के इक्वल है, टू कैरी हो गया, फिर टू थ्री फोर, ये फोर बन गया, तो फोर का नीचे से हमने ज़ीरो लिखा, वन ज़ीरो टू हमने कैरी किया, टू कैरी कर लिया, टू प्लस वन थ्री, और थ्री किसके इक्वल होता है, वन वन के। क्वेश्चन नंबर 19, वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है जी, क्वेश्चन नंबर 20 है, मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ट्रिपल वन ज़ीरो वन, ट्रिपल वन ज़ीरो वन बेस टू, इसका हमने मल्टीप्लाई करना है वन ज़ीरो वन के साथ, वन ज़ीरो वन बेस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वन 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 ज़ीरो वन बेस टू, ये वन ज़ीरो वन बेस टू, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो एक लाइन छोड़ देंगे, वन के साथ मल्टीप्लाई इनको, ये वन ज़ीरो वन वन वन, ये ज़ीरो के साथ एक क्रॉस लगा दिया, फिर ज़ीरो से ज़ीरो 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 ज़ीरो, फिर दो क्रॉस आ गए, फिर वन के साथ वन ज़ीरो वन वन वन, अब इनको प्लस कर देना, ऐड कर देना, ये वन हो गया, ये वाला ज़ीरो हो गया, वन प्लस वन टू, टू के इसके को रहता है वन ज़ीरो के, ज़ीरो नीचे लिखेंगे, वन हम कैरी कर लेंगे, फिर वन प्लस वन टू, टू वन ज़ीरो के इक्वल होता है, ज़ीरो नीचे लिखा, वन हमने कैरी कर लिया, वन टू थ्री, थ्री किसके इक्वल होता है, वन वन के इक्वल होता है, वन नीचे लिखा, वन हमने कैरी कर लिया, फिर वन प्लस वन टू, टू वन ज़ीरो के इक्वल होता है, ज़ीरो नीचे वन कैरी, फिर वन प्लस टू, टू वन ज़ीरो के इक्वल है, वन ज़ीरो हमने लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर ज़ीरो आता है, सॉरी ये वन आ गया, ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो कितना आ गया, ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो आता है, अच्छा गलती हो गई थी जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, क्वेश्चन नंबर 21 मल्टीप्लाई करना है, चार दफ़ा वन है, वन 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 ज़ीरो, चार दफ़ा वन वन वन, चार दफ़ा वन, सॉरी चार दफ़ा वन है, वन 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 ज़ीरो बेस टू, जिसको मल्टीप्लाई करना है, चार दफ़ा वन है, वन 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 बेस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो चार दफ़ा वन जी जी, तो ये चार दफ़ा वन, एक दो तीन चार ज़ीरो पहला नंबर है, फिर एक दो तीन चार ये दूसरा नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो वन के साथ करेंगे सबको, ज़ीरो वन वन ये आ गया, ज़ीरो वन 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 और वन क्रॉस, फिर वन के साथ करना है, ज़ीरो वन 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 दो क्रॉस आ गया, फिर वन के साथ ज़ीरो वन 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 वन, फिर तीन क्रॉस आ गए,
वन कैसा करेंगे, जीरो वन 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 वन। अब एक आपने प्लस कर देना, ये ज़ीरो हो गया, ये वाला ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, वन प्लस वन टू, टू को इसका होता है वन ज़ीरो के, ज़ीरो नीचे लिखेंगे और वन कैरी कर लेंगे, ये वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो फोर के इक्वल होता है, फोर इक्वल होता है वन ज़ीरो ज़ीरो के, ज़ीरो नीचे लिखेंगे तो बाकी वन ज़ीरो बचा, वन ज़ीरो क्या होता है टू होता है, तो टू हमने कैरी कर लेना है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स हो गया। अब सिक्स करके क्या है, सिक्स को डिवाइड करके देख लें, सिक्स है, टू से डिवाइड करें, टू थ्री जो सिक्स, बाकी ज़ीरो बचा, फिर टू से डिवाइड करें, टू वन जो टू, बाकी वन, जो सिक्स है वो किसके इक्वल है, वन वन ज़ीरो के, सिक्स है वन वन ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो ज़ीरो हम नीचे लिखेंगे, वन वन कैरी कर लेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स इसके इक्वल है, ज़ीरो नीचे लिखा, बाकी क्या बचा, वन वन, जो वन वन है किसके इक्वल होता है, थ्री के इक्वल होता है, जो थ्री है वन वन बेस टू के इक्वल होता है, बाकी वन वन बचा, वन वन थ्री के इक्वल होता है, इसको थ्री हम कैरी कर लेंगे। अब थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर सिक्स बन गया, थ्री फोर फाइव सिक्स, ये वन ज़ीरो ज़ीरो के, वन वन ज़ीरो के इक्वल है, तो सिक्स है, इसको ज़ीरो कैरी नीचे लिख लिया, वन वन का वाला थ्री है, थ्री हमने कैरी कर लिया, फिर थ्री फोर फाइव, ये फाइव बन गया, जो फाइव है किसके इक्वल होता है, फाइव को टू से डिवाइड कर दो, वन ज़ीरो वन आता है, वन हम नीचे लिखेंगे, थ्री फोर फाइव, तो फाइव वन ज़ीरो वन के इक्वल है, वन नीचे लिखा, बाकी क्या बचा, वन ज़ीरो, वन ज़ीरो किसके इक्वल होता है, टू के इक्वल होता है, टू हमने कैरी कर लिया, टू प्लस वन थ्री, थ्री किसके इक्वल है, वन वन के। बस आपने ये रखना, याद रखना है, इसका डिवाइड करके देख लेना, टू किसके इक्वल है, थ्री किसके इक्वल है, फाइव किसके इक्वल है, सिक्स किसके इक्वल है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो ट्रिपल वन, ये ट्रिपल वन आ गया, ठीक है, ट्रिपल वन, ज़ीरो ज़ीरो चार दफ़ा ज़ीरो है, फिर वन ज़ीरो, ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर है 22, और 22 में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, 22, चलें 22 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, डिवाइड करना हमने, डिवाइड द बाइनरी नंबर्स, डिवाइड किसका हमें डिवाइड करना है, वन वन, वन वन चार दफ़ा ज़ीरो है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, फिर दो दफ़ा वन है, बेस टू बाई बाई वन वन ज़ीरो वन, वन वन ज़ीरो वन के साथ हमने डिवाइड करना है जी, तो इसमें डिवीजन करनी है, तो देखें इसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो उसके दो तरीके होते हैं, या माइनस कर लें या फिर वैसे डिवाइड कर, चले ये ऐसे लिखते हैं, वन वन ज़ीरो 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 वन वन, ये लिख दिया, फिर ये वाला वन वन ज़ीरो वन, ये लिख दिया हमने जी। तो अब देखें, जब यहाँ पर देखें वन वन ज़ीरो वन है, चार डिजिट्स हैं यहाँ पर, इधर से चार डिजिट्स के हैं, वन वन ज़ीरो ज़ीरो, ये चार डिजिट्स हैं वन वन ज़ीरो वन, इधर से चार डिजिट्स ये वाले हैं वन वन ज़ीरो ज़ीरो। अभी में देखेंगे ये वाला वाला नंबर बड़ा है या ये चार डिजिट्स वाला नंबर बड़ा है, इस पर देखें ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ये वन है, ये ज़ीरो है, तो ये वन इस ज़ीरो से बड़ा है, इस कारण ये जो नंबर है वन वन ज़ीरो वन इन चार डिजिट से बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम जो लिखेंगे वन के साथ डिवाइड कर लेंगे, चूँकि ये नंबर जो है वन वन ज़ीरो वन, वन वन ज़ीरो ज़ीरो से बड़ा है, इसलिए इसको यहाँ पर लिखेंगे वन वन ज़ीरो वन, वन वन ज़ीरो वन, वन वन ज़ीरो ज़ीरो से बड़ा, कैसे पता चला बड़ा है, यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पर वन आ रहा है, ये वन वन के इक्वल है,
ये वन वन के इक्वल है, जीरो जीरो के इक्वल है, ये वन बड़ा है जीरो छोटा है, इसका मतलब ये नंबर है। ये देखिए ये 1100 है ना, ये क्या है 1100, ये क्या 1101 है, ये भी वाला 1100 है, ये 1101 है, 1100 छोटा है 1101 बड़ा है। इसलिए हमने इसको पहले छोड़ कर जो नेक्स्ट रिजल्ट है वहाँ से हमने लिखा है 1101 हमने लिखा है। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस, जब डिवीजन करते हैं फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस कैसे करना है, अब ये देखें ऊपर ज़ीरो है नीचे वन है, तो माइनस कैसे करेंगे, ये ज़ीरो छोटा है वन बड़ा है, तो कैसे माइनस करेंगे, उधार लेंगे, कहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से उधार लेंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा, ये वन बन जाएगा, वन इसके साथ शामिल हो जाएगा, तो ये वन ज़ीरो किसके, ये वन ज़ीरो बन जाएगा, इधर से हमने उधार लिया ये ज़ीरो बन गया। ये क्या बन गया, ज़ीरो बन गया, तो ज़ीरो वन इसके साथ शामिल हुआ, ये वन ज़ीरो बन गया, जो वन ज़ीरो किसके इक्वल होता है, टू के इक्वल होता है, वन ज़ीरो टू के इक्वल होता है, फिर इधर से हम उधार लेंगे, ये वन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, वन ज़ीरो टू टू होता है, इधर से उधार लेंगे, ये वन बन जाएगा, वन इसके साथ शामिल होगा, ये टू बन जाएगा। अब टू में से वन माइनस कर लें, टू माइनस वन कितना आ गया, वन, वन माइनस ज़ीरो कितना आ गया, वन, वन माइनस वन क्या हो गया, ज़ीरो। टू में से वन माइनस के वन, वन माइनस ज़ीरो वन, वन माइनस वन ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ये छोटा है वन है, ठीक है, इधर से उधार लेंगे, ये वन इसके साथ शामिल हो जाएगा, ये वन इसके साथ शामिल हो गया, तो ये ज़ीरो बन गया, ये क्या बन गया, वन ज़ीरो, वन ज़ीरो किसके कल है, टू के, टू में से वन माइनस कर दें तो ये क्या बन गया, वन, ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया। अब फिर देखें ऊपर से हम क्या होता है, नेक्स्ट डिजिट ऊपर से नीचे उतार लेंगे, जब मान पहले वन पर गया माइनस किया, फिर क्या करते हैं, जो नेक्स्ट डिजिट होता है वो हम क्या करते हैं, नीचे उतार लेते हैं, ये नीचे उतार लिया। अब फिर वन पर डिवाइड होगा, फिर वन पर डिवाइड होगा, फिर देखिए वन वन ज़ीरो वन है, ये वन वन है, ये वन ज़ीरो है, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे वन वन ज़ीरो वन, इधर हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो ज़ीरो छोटा है तो क्या करेंगे, इधर से उधार लेंगे, ये ज़ीरो बन जाएगा, वन इसके साथ शामिल हुआ, ये वन ज़ीरो बन गया, वन ज़ीरो किसके कर लेता है, टू के, टू में से वन माइनस कर दिया, वन ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ये छोटा है वन से, इधर से उधार लिया, ये ज़ीरो बन गया, ये क्या बन गया, ज़ीरो, ये वन ज़ीरो, वन ज़ीरो किसके कर लेता है, टू के, टू में से वन माइनस किया, क्या हो गया, वन। ऊपर से नेक्स्ट रिजल्ट फिर उतार लेंगे, नेक्स्ट रिजल्ट वन है, ये हमने नीचे उतार लिया। अब फिर वन के साथ डिवाइड होगा, ये वन वन है, ये वन ज़ीरो, फिर लिखेंगे वन वन ज़ीरो वन, फिर माइनस करना है, तो वन माइनस वन क्या हो गया, ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो वन, ये ज़ीरो छोटा है, ये वन बड़ा है, इधर से उधार लेंगे, ये ज़ीरो हो गया, इसके साथ वन शामिल हो, वन ज़ीरो, ये टू बन गया, फिर इधर से उधार लेंगे, ये वन ज़ीरो, ये टू हो गया, और टू में से वन माइनस कर दें, टू माइनस वन वन, वन माइनस वन ज़ीरो, ठीक है, ये वन माइनस वन ज़ीरो हो गया, सॉरी ये वन माइनस ज़ीरो वन हो गया, टू माइनस वन वन, ये वन माइनस वन ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, इधर वाले ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से वाला वन उठा लेंगे, ऊपर से फिर आने वन नीचे उतार लेना, फिर वन पर होगा, ये देखिए ये वन वन ज़ीरो वन है, ये भी वन वन ज़ीरो वन, दोनों इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए, वन के साथ डिवाइड किया, वन वन ज़ीरो वन, ये बराबर आ गए, डिवीजन ख़त्म हो गई, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया, ये वाला रिमाइंडर, तो क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन इज इक्वल टू, क्वेश्चन ऊपर आता है ये नंबर, ये क्वेश्चन होता है वन 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 वन, ये बेस टू, और जो रिमाइंडर है हो गया ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, तो अवेल्यूएट 945 इन बेस टू देन ऐड टू वन, तो अवेल्यूएट करना है, अवेल्यूएट 945 इन बेस टू एंड देन
फिर क्या करना है, एंड देन एड टू वन 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 बेस टू। पहले जो 945 है इसको हमने बेस टू में कन्वर्ट करना है, तो 945 को बेस टू में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 945 का हम डिवाइड कर देंगे टू के साथ, टू फोर जार एट 70 बन गया, सॉरी 2 4 8 बाकी 1 बचा ये 40 बन गया, 2 7 40 ये 2 2 4 बाकी 1 बच गया, इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 4 2 3 6 2 6 12 बाकी 0, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 8 16 0, फिर 2 5 10 2 9 18 0, फिर 2 2 4 2 9 18 बाकी 1, फिर 2 से 2 1 2 फिर 2 4 8 बाकी 1, फिर 2 से 2 7 14 बाकी 0, 2 3 6 2 3 6 बाकी 1, फिर 2 1 2 बाकी 1, तो क्या बन गया 1 1 1 ये बन गया जो 945 है वो क्या बन गया 1 1 1 1 1 1 तीन दफा 1 है फिर 0, फिर 2 1 है 2 1 है ये 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 बेस टू, ये आ गया जो 945 था इसका हमने बेस टू में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका हमें इसमें ऐड करना है, अब इसको हमें इसमें ऐड करना है, इधर ही कर लेते हैं, तीन दफ़ा 1 है 1 1 1 0 0 फिर 1 1 1 1 ये 3 0 है 0 0 0 फिर 1 है ये 945 है। दूसरा नंबर क्या है 111 है 111 इसमें प्लस करना है, इधर से लिखेंगे 111 ये बेस टू, इनको हमने क्या करना है प्लस करना है, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 किसके कर था 1 0 के, 0 नीचे लिखा 1 हमने कैरी कर लिया, 1 + 1 2 तो 2 1 0 है 0 नीचे लिखा 1 हमने कैरी कर लिया, 1 + 1 2 2 1 0 है 0 नीचे लिखा 1 हमने कैरी कर लिया, ये 1 आ गया ये 1 1 0 1 1 1। क्वेश्चन नंबर 23 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 23 111 0 फिर 111 फिर 000 ये इसका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24 तो सिंप्लीफाई करना है, दो नंबर को हमें ऐड करना है, कह रहा सिंप्लीफाई ब्रैकेट है 1 0 1 0 1 1 1 1 बेस टू प्लस 1 111 है 1 2 3 0 कितने हैं 1 2 3 4 5 7 0 हैं 1 2 3 4 5 6 7 0 हैं बेस टू कि ब्रैकेट क्लोज है ये -39 39 ये बेस 10 है। बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल सिस्टम तो इसको सिंप्लीफाई करना, यानी इसका भी हम ये वाला डेसिमल नंबर है ये बाइनरी नंबर है, ये वाला भी बाइनरी नंबर है, ये वाले दो बाइनरी नंबर हैं इनको भी हम डेसिमल नंबर में चेंज कर लेंगे। तो पहले इसको चेंज करते हैं 1 0 1 0 4 2 1 है, इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे इस सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2 फिर प्लस 0 2 फिर 1 2 फिर 1 2
वन टू फिर वन टू, सबको टू के साथ मंडी में पावर लिखनी है, इधर से पावर लिखनी है, पावर जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव। टू के बाद फाइव कितना होता है, थर्टी टू होता है, थर्टी टू इंटू वन थर्टी टू, ये जीरो से मल्टी में ही हो रहा था, ये जीरो हो गया। टू के बाद थ्री एट, एट इंटू वन एट, टू के बाद टू फोर, फोर इंटू वन फोर, टू के वन टू, टू वन सा टू, टू के बाद जीरो वन होता है, टू के बाद जीरो वन होता है, वन इंटू वन वन, तो थर्टी टू प्लस एट कितना फोर्टी, फोर्टी फोर, फोर्टी सिक्स, फोर्टी सेवन, तो ये हो गया फोर्टी सेवन बेस टेन। ठीक है, फोर्टी सेवन टेन लिखें या ना लिखें, अब ये नंबर है वन 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 वन, एक दो तीन चार पाँच छः सात बेस टू। ठीक है, तो पहले सबको मल्टीप्लाई कर टू के साथ, वन टू प्लस वन टू प्लस वन टू, फिर ज़ीरो इंटू टू, फिर ज़ीरो 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 टू, एक दो तीन चार पाँच छ जी सात। ठीक है, तो पावर लिखेंगे ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन। अब टू की पावर नाइन कैलकुलेटर यूज़ कर लें, टू की पावर नाइन आपने फाइंड कर लें कैलकुलेटर की मदद से, टू की पावर नाइन कितना होता है, फाइव ट्वेल्व होता है, टू की पावर नाइन फाइव ट्वेल्व है, वन से मल्टी में करेंगे तो फाइव ट्वेल्व आ जाएगा फाइव, फिर टू की पावर एट, टू की पावर एट ये होता है टू फिफ्टी सिक्स, टू फिफ्टी सिक्स, फिर टू की पावर सेवन, टू की पावर सेवन ये है वन ट्वेंटी एट, वन ट्वेंटी, बाकी सारे ये देखें ज़ीरो से मल्टी में ही हो रहे हैं, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ये भी ज़ीरो 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 ज़ीरो, तो बाकी सारे ज़ीरो हो गए। अब तीनों का प्लस कर दें, क्या हो गया फाइव ट्वेल्व प्लस टू फिफ्टी सिक्स प्लस वन ट्वेंटी एट, ये एट नाइन्टी सिक्स, एट नाइन्टी सिक्स बेस टेन। अब ठीक है, अब एक जो पहला नंबर ये वाला जो नंबर है ये क्या बन गया, ये फोर्टी सेवन बन गया, ये जो नंबर है ये क्या बन गया, एट नाइन्टी सिक्स बन गया माइनस थर्टी नाइन। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ ब्रैकेट है, पहला नंबर फोर्टी सेवन बन गया, फोर्टी सेवन प्लस दूसरा नंबर एट नाइन्टी सिक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस थर्टी नाइन। अब इन दोनों को प्लस कर दें, फोर्टी सेवन प्लस एट नाइन्टी सिक्स करेंगे ये नाइन फोर्टी थ्री इज इक्वल टू नाइन फोर्टी थ्री, उसमें थर्टी नाइन माइनस कर दें, माइनस थर्टी नाइन माइनस कर दिया तो नाइन ज़ीरो फोर, ये आ गया नाइन ज़ीरो फोर, आपका आंसर आ जाएगा नाइन ज़ीरो फोर। तो बेस टाइम जब आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है, सिंप्लीफाई करना हमें, ब्रैकेट है वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो ट्रिपल वन बेस टू प्लस वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन बेस टू ब्रैकेट क्लोज माइनस वन ज़ीरो ट्रिपल वन वन ज़ीरो ट्रिपल वन बेस टू, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। आसान है, पहले ये काम कर चुके हैं हम, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, लिखते थे वन ज़ीरो ज़ीरो ट्रिपल वन बेस टू, इसको इसको हमने ये लिखना जब यह नंबर इसके यहाँ से शुरू करना है वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो, जब भी नंबर दो नंबर्स को हमने प्लस या माइनस करना होता है पहला नंबर लिखे जो दूसरा नंबर है वो इधर से शुरू करते हैं प्लस जी। तो वन प्लस वन कितना हो गया टू,
टू किसके इक्वल आता है वन जीरो, ये टू है वो किसके इक्वल आता है वन जीरो के इक्वल आता है, जीरो नीचे लिखेंगे ये वन है, इसको हम कैरी कर लेंगे, ये वन प्लस वन टू, ये वन जीरो बन गया, जीरो नीचे लिखा वन हमने कैरी कर लिया, वन टू थ्री जो थ्री है थ्री किसके इक्वल है वन वन के इक्वल है, वन नीचे वन कैरी, ये वन नीचे वन कैरी, ये वन ये वाला वन ये वाला वन, तो इन दोनों का निपटास किया तो ये वाला आंसर आ गया, इसमें से इसको माइनस कर देना, वन 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 जीरो वन, वन 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 जीरो वन, इसको हमने माइनस कर देना। अब जीरो छोटा वन बड़ा है तो क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, इधर से उधार लेंगे, ये जीरो बन जाएगा, वन इसका स्टैम्प ये टू बन गया, वन इसका ये वन जीरो बन गया, वन जीरो क्या होता है टू, ये टू बन गया, इसमें से उधार लेंगे ये वन आ जाएगा, वन इसके साथ शामिल हो गया वन जीरो किसके गले टू के, अब टू में से वन माइनस कर दें, वन हो गया, वन माइनस वन ज़ीरो हो गया, अब फिर ये ज़ीरो है ये वन है, ज़ीरो छोटा है ये वन बड़ा है, क्या करेंगे इधर से उधार लेंगे, जब इधर से उधार लेंगे ये ज़ीरो हो गया, वन इसके साथ शामिल हुआ वन ज़ीरो बन गया, तो वन ज़ीरो किसके गले टू के गला, टू में से वन माइनस कर दें, वन ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, वन माइनस वन जीरो, तो ये वाला वन। तो क्वेश्चन नंबर 25 100 101 ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 26 सिंप्लीफाई करना है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर करना है। 26 सिंप्लीफाई करना है, 26 में ब्रैकेट है क्या, 100 111 100 111 002 प्लस 11 100 02 फिर माइनस माइनस करना है, दूसरी ब्रैकेट है क्या, 1 के साथ है 40 02 माइनस 40 111 102 जी, इसको हमने सिंप्लीफाई करते, पहले क्या करें इन दोनों को प्लस करेंगे, इनमें इन दोनों को माइनस करेंगे, इसके आंसर में से इसके आंसर को माइनस करेंगे, इनको प्लस करना है इनको माइनस करना है, इसका जो आंसर आएगा माइनस कर देंगे इसका आंसर, पहले इसको कर दें, 101 101 002 00 01 11 01, इनको प्लस करना है, तो 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 किसके इक्वल होता है 10 के, 0 नीचे लिखा 1 हमने क्या निकाल लिया, 1 2 3 3 किसके इक्वल है 1 1 के, वन नीचे लिखा वन कैरी कर लिया, ये 1 2 3 3 किसके इक्वल है 1 1 वन नीचे लिखना वन हमने कैरी कर लेना, ये 1 प्लस 1 2 2 10 के इक्वल है, 0 नीचे लिखा वन हमने कैरी कर लिया, ये 1 प्लस 1 2 2 10 हो गया 10 02, जो पहले ब्रैकेट है उसको हमने प्लस कर दिया, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 100 02 फिर 4 1 1 1 1 1 02 ये माइनस आ गया, तो ये 0 छोटा 1 बड़ा है, उधार कहाँ से लेना है यहाँ से, ये 0 बन जाएगा, 1 इसके साथ शामिल है 10 10 कितना होता है 2, अब 2 इसमें से उधार लेंगे ये 1 ये 10 बन गया 102, इधर से लेंगे 1
ये 1 0, ये क्या बन गया 2, ये 10 14 बन लेंगे, ये 1 आ गया, ये 1 0, ये 1 0 कितना बन गया 2 बन गया। 2 में से 1 माइनस कर दें, क्या हो गया 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये 0, ये सारे 0 है, तो बाकी क्या बचा, ये छोटे वाले 0 नहीं लिखेंगे, ये 2 1 आ गया, ये खाली क्या आ गया 1 आ गया। तो जो इसका आंसर क्या आ गया, ये वाला, इसका आंसर क्या आ गया, ये वाला। आप क्या करना है, माइनस करना है, यानी इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। नाउ अब पहले ये लिखें 1 0 0 1 1 0 0, ये नीचे यह 1 लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस करना है। 0 छोटा, इधर से उधर लेंगे, ये 0, ये 1 इसका था शामिल, 2 बन गया, ये 1 इसका, ये 1 0, 1 0 किसके करें 2 के। अब 2 में से 1 उधर लेंगे, ये 1, ये 1 0, 1 0 किसके करें 2 के। 2 में से 1 माइनस कर दें, 1 ऊपर से ये वाला 1 आ गया, ये 0, ये वाला 1 0 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ गया 1 0 0 1 0 और 1 1। इसमें 1 0 मैंने कम लगे, यहाँ पर देखें 3 0 है, यहाँ पर 3 0, यहाँ पर मैंने 1 0 कम लगा दिया है, ठीक है। चलिए इसको दोबारा करते हैं, ये 3 0 है, यहाँ पर 1 0 मैंने कम लगाया, इसको दोबारा कर लेते हैं। तो 1 0 0 1 1 0 0 0 बेस 2, इसमें 1 माइनस करना है, इधर से 1 उधर हाल लेंगे, ये 0 बन गया, ये 1 0, ये 2 हो गया, इसमें से 1 उधर हाल लिया, ये 1, ये 1 0, ये 2 बन गया, इसमें 1 उधर हाल लिया, ये 1, ये 1 0, ये वाला 2 बन गया। 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 0, ये वाला 1, 0 0 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस हमने माइनस का आ रहे हैं, सिंप्लीफाई। तो 2 नंबर में तो माइनस करना है, 1 0 1 1 0 1 1 0 बेस 2, माइनस 4 दफ़ा 1 है, 1 1 1 1, 2 दफ़ा 0 है, बस आपने माइनस कर देना, इसको ऊपर लिखें 1 0 1 1 1 0 और 0, 1 0 1 1 0 बेस 2, 0 0 0 0, 4 दफ़ा 1 है, 1 2 3 4, इसको माइनस करना है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, जब 0 ये छोटा है, इधर से उधर हाल लेंगे, ये 0, ये 1 0 बन गया, 1 0 क्या होता है 2 होता है, 2 में से 1 माइनस कर दें, ये 1 हो गया, 1 के साथ 5 0 आ गया, 1 के साथ 5, ये देखें कितना सा सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28, 28 है, सिंप्लीफाई करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई, किसको सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट है 1 0 0 1 0 0 1 1 बेस 2 प्लस 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 बेस 2 ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस है 1 0 1 1 बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल सिस्टम, बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल सिस्टम, तो 3 नंबर्स को
डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। पहले यह नंबर लेंगे 100000111 बेस, इसको हम डेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे तो सबको टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 + 0 2 + 0 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 पावर लिखें 0 1 2 3 4 और 5 पावर लिखते हैं। 2 × 5 = 32 होता है, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, ये भी 0 × 0 हो गया। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 1 होता है, 2 × 0 = 1 होता है, 1 × 1 = 1 हो गया। 32 + 4 = 36, 38 × 39 39 हो गया। दूसरा नंबर ये वाला 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, इसको भी डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 पावर 0 1 2 3 4, 2 × 4 = 16, ये 0 0 हो गया, 2 × 2 = 4, ये वाला 0 हो गया, 2 × 0 = 1 होता है, 1 × 1 = 1, 16 20 21, ये 21 बन गया। तीसरा नंबर ये वाला 1 0 1 1 1 0 1 1 बेस 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 पावर 0 1 2 3 4, 2 × 4 = 16 हो गया, ये वाला 0, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, 16 20 23, ये हो गया 23। अब देखिए पहले में दूसरा प्लस करना है, फिर तीसरा माइनस करना है, पहले ब्रैकेट लगाते हैं, ये हमने ब्रैकेट लगा दी, ये किसके इक्वल आया 39 के, फिर दूसरा नंबर 21 के, 39 दूसरा नंबर 21 प्लस 21 −23, इन दोनों का प्लस कर दें, 9 और 1 = 10, 3 × 5 = 6, 60 हो गया, −23, फिर मैं से इसको माइनस कर दें, 10 − 3 = 7, 5 = 37, तो ये कितना आ गया 37 बेस 10, लिखें या ना लिखें, क्वेश्चन नंबर 29। एवेल्युएट मल्टीप्लाई करना, एवेल्युएट का मतलब था वैल्यू फाइंड करें, एवेल्युएट फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो 4 × 1 है बेस 2, फिर 1 0 0 1, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1 1 बेस 2, फिर 1 0 0 1 बेस 2, इनको मल्टीप्लाई करना है, एक लाइन छोड़ देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें सबको, 1 1 1 1 क्रॉस करें, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0, फिर 2 क्रॉस आ गए, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 0 0 0, फिर 3 क्रॉस आ गए, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1 और 1, अब सबको प्लस कर देना, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 + 1 = 2, 2 के 1 + 1 = 2 है, 2 क्या होता है 1 0, 0 नीचे लिखेंगे, 1 हम कैरी कर लेंगे, ये 1 + 1 = 2, 2 1 0 होता है, 0 नीचे लिखा, 1 हमने कैरी कर लिया, ये 1 + 1 = 2, तो 1 0 बन गया, 0 नीचे 1 कैरी, ये 2 1 0 2 1 0 की गुना होता है, 1 + 4 = 0 और 3 1 1 + 4 = 0 और 3 3 × 1, ये आपका आंसर आ गया। तो CS2 के तमाम लाइव क्वेश्चन हमने कर लिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।